टंडन साहब नमस्ते, ये जो कुछ भी हो उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे आपसे 2 मिनट प्राइवेट बात करनी है। आइए। थैंक यू। हे, 2 कॉन्स्टेबल खड़े करना इधर। हाँ आइए। आई रियली फील वेरी सॉरी फॉर ऑल दिस सर। बैठिए। थैंक यू। टंडन साहब, लोग लाख कहे मगर मैं ये कतई मानने को तैयार नहीं कि अशोक नगर में लगी आग के पीछे आपका हाथ है, और मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि मैं असली गुनहगारों को पता लगाऊं। अगर पता लग भी गया तो आप क्या बिगाड़ लोगे उनका? क्या मतलब? मतलब ये कि वो बहुत बड़े और ताकतवर लोग हैं, कानून और राजनीति ये दोनों उनकी जेब में पलते हैं। यानी कि आप जानते हैं उन लोगों को? अच्छी तरह जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि उनका मालिक कौन है। टंडन साहब, आपको अपनी नेकी और अपने आदर्शों की कसम है, मुझे उसका नाम बताइए प्लीज। सुनकर तो यकीन नहीं करोगे, फिर भी बता देता हूं, उसका नाम है जगताप सिंह। व्हाट? यू मीन जगताप कंप्यूटर्स, जगताप शिपिंग कॉर्पोरेशन, जगताप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक कुंवर जगताप सिंह? नमस्कार निर्मल बाबू उर्फ एकांत प्रिय पत्रकार। आओ इंस्पेक्टर जय, घोड़े पे सवार। बोल, चाय पिएगा? नहीं, चाय वाय नहीं, आज जरा तुझसे खास बात करनी है। अच्छा चल। हाँ बोल, क्या बात है? देख यार, मैं तुझे पहले बता दूं, इस काम में खतरा भी है। यार अगर हम खतरों से डरते ना तो ना तू पुलिस में होता ना मैं अखबार में। बोल बात क्या है? एक जाल फेंकना है प्यारे, अगर हमारा जाल सही पड़ गया तो देश का एक बहुत बड़ा दुश्मन और उसका सारा गिरोह हमारे हाथ लग जाएगा। तुझे एक खबर छापनी होगी, तेरी खबर पढ़ते ही वो गद्दार बौखलाकर या तो तुझे डराने की कोशिश करेगा या फिर तुझे खरीदने के लिए अपने किसी आदमी को तेरे पास भेजेगा। राइट। उसका एक खास आदमी अगर हमारे हाथ लग गया तो उस छोटी मछली को चारा बनाकर हम बड़ी मछली को आसानी से पकड़ लेंगे। नहीं मगर ये बड़ी मछली है कौन? कुंवर जगताप सिंह। व्हाट? कुंवर जगताप सिंह? डोंट टेल मी यार, दैट बिग बिजनेस टाइकून। एक्साइटिंग यार, जल्दी बोल क्या छापना है। कम ऑन टेल मी। लिख। बोल। इस संवाददाता को विश्वसनीय सूत्रों से यह पता चला है कि नागिया गैंग का मालिक कौन है। ये वही आदमी है जिसने पुलिस लॉकअप में नंदू नाम के आदमी की हत्या करवाई थी। इतना ही नहीं बल्कि इस बेरहम ने अशोक नगर में आग लगवाकर अनगिनत लोगों को जलाकर राख कर दिया। फिलहाल आप इतना जान लें कि वो शहर का एक बहुत बड़ा उद्योगपति है, इसके अलावा कई मिलों और एक बड़ी शिपिंग कंपनी का मालिक है। उस सफेद पोश आदमी के काले कारनामों के बारे में हम कल के अखबार में और छापेंगे। इस साले को ये सब कैसे पता चला? रिपोर्टर का नाम क्या लिखा है? निर्मल सूद। निर्मल सूद। हेलो, निर्मल सूद है। तू अपने आप को बहुत होशियार समझता है? ओहो रामजनक जी। रामजनक? नहीं नहीं, मेरा नाम गुमान सिंह है। हाँ 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 हाँ, परसों हम पार्टी में मिले थे। अरे मैंने तो आपको आपके घर छोड़ा था पेडर रोड पर। पेडर रोड? पेडर रोड पर रहता होगा तू, तेरा पूरा खानदान। मैं जुहू पार्ले में रहता हूँ। अपना नाम और पता क्यों बता रहे हो गुमान? देखो, नागिया गैंग के मालिक के बारे में तुम कुछ नहीं लिखोगे, क्या समझे? अभी तक तो कुछ भी नहीं समझा। हाँ अगर ये पता चले कि इसमें मेरा अपना कितना फायदा है तो शायद समझ जाऊं। तुम बोलो कितना भेजूं?
भेज दीजिए 2 किलो। ठीक है, आधे घंटे में 2 लाख रुपए तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। अभी नहीं, नहीं अभी नहीं, मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ, आप शाम 7:30 बजे के बाद भेज दीजिए। गांडा चालाकी कर रहा है, रुपया मिले तो आदमी बाहर जाना कैंसिल कर देता है, मगर ये साला वक्त चाहता है। कुमान, अपने आदमी लेकर मत जाना, बाहर से आदमी उठाना और उनसे कहना कि अगर कोई गड़बड़ दिखाई दे तो उस लौंडे को उड़ा दे, और जो रुपया है ना उसे बख्शीश समझ के रख ले। यानी कि मछली ने चारा निगल लिया, मैं ठीक 7:15 बजे तुम्हारे घर पहुंचता हूं। लिसन निर्मल, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स। गुमान सिंह? अच्छा तो आप हैं गुमान सिंह जी, मगर आप तो 7:30 बजे आने वाले थे, इतने जल्दी कैसे आ गए? तुम भी तो 7:30 बजे यहाँ पहुँचने वाले थे, तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? जी वो माल 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 की कशिश खींच लाई सर जी, पूरे 2 लाख है सर, गिन के लूंगा मैं। अब ये बताओ कि तुम क्या जानते हो नागिया गैंग और उसके मालिक के बारे में? जगताप जी के बारे में जानता था सर, अभी कुछ नहीं जानता। गिन लो। जी मैं निर्मल का दोस्त हूँ। मैं निर्मल का चाचा हूँ, बनारस से आया हूँ। पर बेटा निर्मल तो घर में नहीं है। नहीं है? नहीं, मगर उसी ने तो वक्त दिया था मुझे। एक अचानक जरूरी फोन आ गया था बेटा, अभी अभी तो गया है वो बाहर। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपका बाथरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बाथरूम क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकता। शुक्रिया। ई मझला है, ई छोटा भाई है, बंबई घूमने आए हैं। अपना नाम नहीं बताया, रात को निर्मल लौटेगा तो उसको क्या बताऊंगा? आप उसे कहिएगा कि जय आया था,
वैसे फोन करके मैं उसके ऑफिस में मैसेज छोड़ देता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए आइए। गुमान सिंह जुबली पार्लर स्कीम लगता कोई फोन नहीं उठा रहा। एनीवे तकलीफ दी आपको, माफी चाहता हूं। कोई बात नहीं। हेलो।